लंबे समय से जिला बनने की आस देख रहे डीडवाना के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज विधिवत रूप से डीडवाना कुचामन के नाम से एक नया जिला राजस्थान के मानचित्र पर अंकित हो गया। डीडवाना के नवीन जिला कलेक्टर कार्यालय में डीडवाना कुचामन जिले का आज स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से डीडवाना कुचामन जिले की स्थापना की। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री रामेश्वर डूडी, डीडवाना विधायक चेतन डूडी के साथ ही संभागीय आयुक्त सी आर मीणा, नागौर जिला कलेक्टर अमित यादव, नागौर एसपी राममूर्ति जोशी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत, डीडवाना जिला कलेक्टर सीताराम जाट, एसपी प्रवीण नूनावत सहित सभी धर्मों के धर्म गुरु उपस्थित रहे। इस मौके पर सर्वधर्म सभा हुई, वहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन और यज्ञ भी हुआ। तत्पश्चात विधिवत रूप से शिलापट्ट का अनावरण कर नए जिला कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। डीडवाना के जिला बनने की खुशी में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और हजारों की संख्या में लोग नए जिला कलेक्टर कार्यालय में उमड़ पड़े। वहीं जिले भर के प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ ही भारी तादाद में ग्रामीण जन प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में विधायक चेतन डूडी ने डीडवाना को जिला बनाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि डीडवाना को जिला बनाना उनके पिता स्वर्गीय रूपाराम डूडी का सपना था, जो आज साकार हो चुका है। आज डीडवाना की दशकों पुरानी मांग पूरी हो चुकी है। आज का दिन डीडवाना के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है। ये इतिहास रहेगा कि आज की तारीख इतिहास के अंदर लिखी जाएगी। किस जगह में, इस जगह पर एक नया हेडक्वार्टर बना, एक नए कलेक्टर साहब बैठे, एक नए एसपी साहब बैठे, पूरा का पूरा नया एक जन्मा का एक जिसे कहते हैं ना सरकारी, जितने अधिकारी एक जिले में बैठते थे वो सारे के सारे हमारे बीच में बैठे। मैंने मेरी तरफ से पुरजोर कोशिश की, मेरे साथी विधायक मुझे बोलते थे सेक्रेटरी बन जा, ये होता है विधानसभा में सेक्रेटरी बनते हैं, गाड़ी वाड़ी मिल जाती है, कुछ ऐसा होता है सिस्टम। कभी इच्छा नहीं रही कुछ बनू, विधायक बन गया, पार्टी ने टिकट दे दी, आप लोगों ने वोट दे दिया आपके आशीर्वाद। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को ये जरूर बोलता था कि साहब अगर आप जिला बनाते हैं तो डीडवाना को जिला बने। ये इच्छा मेरी नहीं रही, ये इच्छा उस पुण्य आत्मा की रही जिसने राजनीति आप लोगों के बीच से शुरू की। मैं उनका बेटा रहा, परिवार रहा, लेकिन यकीन मानिए मुझे कहते हुए मेरा गर्व होता है कि मेरे पिताजी आपके विधायक स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी ने डीडवाना को अपना परिवार मान के चले। हरदम ये चिंता रहती थी कि हम लोग कैसे, हमारा गांव, हमारा डीडवाना कैसे।